कपूर परिवार की बेइंतहा खूबसूरत लड़की जो प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाने वाली और लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हैं। जी हाँ दोस्तों, करिश्मा कपूर उन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिन्होंने अपने दौर में राजा हिंदुस्तानी और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्में देकर दर्शकों से खूब लोकप्रियता हासिल की है। वैसे दोस्तों, आप करिश्मा कपूर के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको करिश्मा कपूर की माँ के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ आप जानेंगे कि उनकी माँ कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून साल 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल से और बाद में कुछ महीनों के लिए सोफिया कॉलेज में पढ़ाई की। कहा जाता है कि इन्होंने एक्टिंग के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1991 में महज 17 साल की उम्र में रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी से की थी। इस फिल्म में इनके साथ एक्टर हरीश कुमार दिखाई दिए थे। इसके बाद इन्होंने अनाड़ी और जिगर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इन फिल्मों के बाद कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए, जिसके बाद करिश्मा कपूर हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, जुड़वा, राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है जैसी कई और हिट फिल्मों में अभिनय करती हुई नजर आई। इन्होंने साल 2020 में आई वेब सीरीज मेंटल हुड में भी अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। दोस्तों, अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में तो करिश्मा कपूर ने 29 सितंबर साल 2003 को बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। इस शादी से इन्हें दो खूबसूरत बच्चे भी हुए, लेकिन साल 2016 में इनका डिवोर्स हो गया। बात की जाए करिश्मा कपूर की मां के बारे में तो इनकी मां का नाम बबीता कपूर है, जो कि अपने दौर की बॉलीवुड की बड़ी स्टार रह चुकी हैं। बबीता कपूर की पहली सफल फिल्म 1966 में रिलीज हुई 10 लाख थी, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर फिल्म राज ने पहचान दिलाई। हालांकि साल 1971 में रणधीर कपूर से शादी करने के बाद उनकी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरियां बना ली। बता दें कि बबीता कपूर अब 73 साल की हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनके फेस पर बढ़ती हुई उम्र की झुर्रियां साफ तौर से देखी जा सकती हैं और ये दिखने में भी पहले से थोड़ी मोटी हो गई हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करिश्मा कपूर की मां के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।